हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने आगे के जितने भी टॉपिक थे हमारे समेटिव असेसमेंट वन को लेके, वो सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए। अब नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। अब से जितने भी चैप्टर्स चलने वाले हैं, उस चैप्टर्स के अंदर हम जो भी 2021 के सिलेबस के हिसाब से जो भी डिडक्टेड सिलेबस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, चैप्टर चालू करते हैं। आज का जो नया हमारा चैप्टर चालू करना है वो है चैप्टर 10, सर्कल। सर्कल के बारे में फर्स्ट लेक्चर के अंदर जैसे मैं हर वक्त इंट्रोडक्शन देता हूँ, वैसे इस बार भी हम पहले तो नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज की ओर जाएंगे और जो भी चीजें हमें एलिमिनेट करवाई है वो हम नहीं करेंगे, जो चीजें काम की है वही चीज करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले सर्कल के बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग जो 9th में सीख के आए हो वही सारी बातों को एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी सर्कल है, जैसे कि मेरे पास ये एक सर्कल है। ठीक है, तो इस सर्कल के सेंटर से सर्कल की सर्कमफेरेंस तक ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, उस बाउंड्री को मैं क्या कहता हूं, सर्कल की सर्कमफेरेंस। क्लियर? और ये जो सेंटर है उसको मैं कहता हूं सर्कल का सेंटर। वो सारी बातें आप लोग जानते हो। सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को मैं रेडियस कहता हूं। क्लियर ना? शॉर्ट फॉर्म में उसको रेडियस लिखूंगा। ओके, देन आफ्टर ये चीज को लेके आप एक और चीज भी जानते हो कि सर्कल उसके अंदर रेडियस का अगर मैं डबल कर देता हूं तो वो मुझे क्या दे देता है, वो मुझे डायामीटर दे देता है। क्लियर ना? डायामीटर वो हमारे सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड कही जाती है। क्वेश्चन आता है कॉर्ड क्या है? कॉर्ड मतलब कि सर्कल के सेंटर से पास ना होती हुई और सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हुई लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम? कॉर्ड। ठीक है, और सर्कल के सेंटर से पास होती हुई सबसे बड़ी लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, डायमीटर। क्या कहेंगे? डायमीटर। ठीक है, तो ये सारी बातें इन शॉर्ट आप लोग जानते हो, सर्कमफेरेंस क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है। ठीक है, अब उनसे थोड़ा अपग्रेड होके बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो काम के हैं हमारे, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो जरा देख लेंगे एक बार। सबसे पहले तो हमें एक चीज का ख्याल रखना है, इस चैप्टर के अंदर जो नया सीखना है वो है टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में और इवन हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हमें इसके बारे में जानना था। ठीक है, सो टेंजेंट क्या है वो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर एक बार बता दिया कि सर्कल जो है वो सर्कल को कोई भी, ये सर्कल मेरा है, उसको कोई भी एक ही पॉइंट पे, जैसे कि यहां पे एक पॉइंट पे टच किया है, तो कोई भी एक ही पॉइंट पे टच करती हुई लाइन, एक ही पॉइंट पे टच करती हुई लाइन को हम क्या, जैसे कि यहां पे एल लाइन है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। तो ये चीज याद रखिएगा क्या, कि सर्कल को कोई एक ही पॉइंट पे टच करती हुई लाइन को टेंजेंट कहते हैं। एक्चुअल में सर्कल जो है उसको हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर्कल को अगर कोई लाइन टच करती है या इंटरसेक्ट करती है या इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसको तीन तरीके से आप दिखा सकते हो। सही है ना? एक तो सर्कल के आसपास कहीं पे लाइन दिखा दो, मतलब कि सर्कल को कोई लाइन टच ही नहीं कर रही है, मतलब कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। एक सर्कल के अंदर से लाइन को निकाल दो, जैसे ये निकाली हुई है ए बी लाइन। ठीक है, तो वो एक हो जाएगी कॉर्ड हमारी, मतलब कि सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हुई लाइन। और तीसरा, सर्कल को कोई एक पॉइंट पे टच करती हुई लाइन। ठीक है ना? सर्कल को कोई एक पॉइंट पे टच करती हुई लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसको? टेंजेंट। क्लियर? दूसरी एक बात समझ लीजिए कि ये जो लाइन आप, जो मैं ड्रॉ कर ही देता हूं यहां पे, जैसे कि ये सर्कल है, उस सर्कल के अंदर से ये पास होती हुई लाइन जैसे मैं ड्रॉ करता हूं, लाइक दिस इज द ए बी लाइन। क्लियर ना? ए पी और, माफ कीजिए, ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है लाइन, जैसे कि मेरी एल है। तो ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन एल लाइन, उस लाइन को दूसरा सेकेंड लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दूसरा? उसको सेकेंड लाइन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आई बात? सेकेंड लाइन। ओके, अच्छी तरीके से दिमाग में रखिएगा। और ये तो हमारा टेंजेंट है, और सर्कल को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, चलो उसको भी इस तरफ ड्रॉ कर देते हैं, सर्कल है उसको इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन है ही नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर ना? क्या कहेंगे उसको? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सिंपल, ये चीज तो बहुत ईजी है। ठीक है, नाउ फॉर टेंजेंट, टेंजेंट की हम बात कर रहे थे, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। टेंजेंट को लेके आपको बहुत सारी चीजें समझनी है, जाननी है कि टेंजेंट एक्चुअल में
सबसे पहले तो आप एक चीज मैं बता दूं आपको, टेंजेंट लाइन जो होती है वो टेंजेंट लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, ठीक है ना। पर कोई भी सर्कल की एक से ज्यादा आप कह सकते हो इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है भाई। जैसे कि कोई एक ये पॉइंट है उस पे सर्कल को ये लाइन टच कर रही है, कोई ये पॉइंट है तो उस पे सर्कल को ये लाइन टच कर रही है, ठीक है। तो बहुत सारे वे होते हैं मेरे पास, यहाँ पे ये निकलता है, मतलब कि कोई एक सर्कल की मोर देन वन, वी कैन से इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है ना। सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट होंगे, सर्कमफेरेंस के ऊपर जितने पॉइंट होंगे, उतनी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो टेंजेंट जो है ना वो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, ये चीज पहले तो आप दिमाग में उतार लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से, ओके। दूसरा, टेंजेंट को लेके एक और चीज भी आपको समझनी है कि सर्कल जो होते हैं वो सर्कल के टेंजेंट, जैसे कि ये सर्कल है बराबर, तो ये सर्कल उसका ये टेंजेंट है। तो एक चीज आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए कि सेंटर से सर्कल का ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट को जिस पॉइंट, माफ कीजिए पहले ये बता दूं, जे जो पॉइंट पे सर्कल, जैसे कि यहां पे पी पॉइंट के ऊपर सर्कल को टच किया है हमारी लाइन एल ने, तो एल तो हमारी टेंजेंट लाइन हुई, वो सही है, क्लियर, एल हमारी टेंजेंट लाइन हुई। बट इस पी को कहते हैं टेंजेंट पॉइंट, क्या कहते हैं पी को, टेंजेंट पॉइंट, रेडी, क्लियर, या तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट भी कह सकते हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ टचिंग भी कह सकते हो, जहां पे हमारा पॉइंट क्या हुआ है, टच हुआ है वो, ठीक है, याद रखिएगा ये। अब टेंजेंट पॉइंट के ऊपर सर्कल के सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो समझिएगा बच्चों, क्या, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पॉइंट के ऊपर, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पॉइंट के ऊपर ड्रॉ की गई ये जो लाइन है वो लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर रहती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो है ना एक्चुअल में ये जो मैंने आपको चीज बता दी वो थियरम नंबर 10.1 है, ये आपका थियरम नंबर 10.1 है, 10.1 थियरम आपको ये चीज सिखाता है दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, वी कैन से क्या, दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, टेंजेंट पॉइंट का ना उसको आप दूसरा, चलो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैंने कहा, पॉइंट ऑफ टच कह सकते हो, बहुत सारी चीजें, बराबर। तो ये चीज याद रखिएगा, ये थ्योरम 10.1 है, रेडी, क्या है थ्योरम 10.1 स्टेटमेंट प्रॉपरली, चलो मैं नीचे लिख देता हूं, स्टेटमेंट क्या रहेगा, खास याद रखिएगा, क्या, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact, क्लियर, आप कुछ भी कह सकते हो, ओके। तो हमारे पास ये थियरम आपको याद रखना है पहले तो, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा, ओके, ये एक अच्छी तरीके से दिमाग में इसलिए रखना है क्योंकि ये चीज जो है वो टेंजेंट के लिए तो काम में आती है, कॉर्ड के लिए भी आप एक चीज सीखे थे इसके अंदर, कॉर्ड के लिए भी, चलो मैं फिर से आपको वो भी चीज आपको बता देता हूं, चलो यहां पे साइड में ये कॉर्ड है ना, उसी के अंदर सेकेंड लाइन है जिसके ऊपर कि सेंटर पॉइंट से जैसे कि यह है, तो यहां से कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ की गई लाइन जो कि अगर परपेंडिक्युलर है, वर्ड को समझना, क्या, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ की गई लाइन जो कि परपेंडिकुलर है, यानी कि आपने अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो वो हमारी कॉर्ड को दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करती है, ठीक है, ये चीज आप नाइन्थ में सीख गए हो, रेडी, ये समझना अच्छी तरीके से, जैसे कि पॉइंट एम है, क्या, दैट ये जो लाइन आपको दिख रही है, लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर जो लाइन हो रही है वो, क्लियर, इज दिस लाइन, इफ इट इज परपेंडिकुलर देन दिस लाइन बाइसेक्ट अवर कॉर्ड, हमारी लाइन को, हमारी कॉर्ड को वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है, ये चीज याद रखना खास, ओके, रेडी, और
इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव बच्चों बहुत सारे आते हैं कि ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये मैंने नेम कहा, इस नेम को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, टेंजेंट पॉइंट भी कहते हैं, इसको दूसरा नॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा, क्या कहते हैं दूसरा, इसको नॉर्मल भी कहते हैं। टेंजेंट को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, ये जो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई वो। दूसरी बात कि जो हमने वहां पे देखा था सर्कल के अंदर, हमने देखा, माफ कीजिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने देखा था कि कोई एक सर्कल है, जैसे कि भाई मेरे पास ये सर्कल है, ये सर्कल के ऊपर अगर कोई दो टेंजेंट ऐसे जा रहे हैं, जैसे देखो मैंने ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो जहां पे भी उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, जैसे कि एक्स और वाई मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट पी पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑलवेज ये पी एक्स और पी वाई दोनों क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी एक प्रकार का थियरम ही है, पर आपको विदाउट प्रूफ स्टेटमेंट को याद रखना है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी बातें हैं वो आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन जो है बहुत बड़े पैमाने पे हटा दिया गया है 21 के सिलेबस के हिसाब से, तो ये सारी बातें पूछने के चांसेस ज्यादा रहेंगे बोर्ड के अंदर, ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझना अच्छी तरीके से, ओके। और दूसरी एक बात यहाँ पे वो चीज भी हमें क्लियर करनी है कि कोई भी सर्कल, जैसे कि मेरे पास ये सर्कल है, तो वो सर्कल के ऊपर या तो मेरी लाइन जो मैंने आपको पहले बताया, या तो मेरी लाइन जो है वो तीनों तीन लाइन को जैसे मैं परपेंडिकुलर, माफ कीजिए, पैरेलल ड्रॉ करना चाहूं, जो कि इंटरसेक्ट भी कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं भी कर रही है और टेंजेंट पॉइंट भी है, तो ऐसा भी मैं कर सकता हूं, लेकिन वो एक प्लेन के अंदर पॉसिबल होगा, मीन्स एक पेपर के अंदर पॉसिबल होगा, आप कहीं पे बाहर उसको पैरेलल ड्रॉ करोगे तो वो चीज नहीं चलेगी, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स है जो आपको सर्कल के लिए समझने हैं उसके, ठीक है, और ये सारी चीजें ही आपको एक्सरसाइज के अंदर और आगे के न्यूमेरिकल करने में भी काम में आएगी, ओके। तो याद रखिएगा सारी चीजों को अच्छी तरीके से, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।